अब तक आपने देखा। वाओ दी, अब आप मिसेज रीति विभोर पोदार बन जाएंगी। हाँ, अब मुझे भी इस रिश्ते को लेकर बिना डरे बिना किसी प्रेशर के अपनी सोच को पॉजिटिव रखनी होगी। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम बहुत खुश होगी रीति, ये सोच के कि मैं इस शादी को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि मैं तुम्हारी पसंद और नापसंद में इतना इंटरेस्टेड क्यों। गेम जीतने के लिए अपने ओपोनेंट को गुमराह करना पड़ता है और मैं भी तुम्हारे साथ वही कर रहा हूँ। I won. नहीं माजी, मरने नहीं देने किसी को कोई जगह, सब भूल सके, लेकिन मैं कैसे भूलूं कि मार एक लौते बेटे की जिंदगी के साथ उसकी खुशियों के साथ सौदा हुआ है। माँ, अब आगे नमस्ते। नमस्ते, आइए प्रभा जी बैठिए। ये मेरी होने वाली बहू है रीति। हाय। हेलो। अच्छा प्रभा जी, आपने कहा था कि आपको कुछ टेस्ट करवाने। हाँ, वो आज ही मैंने मैगजीन में पढ़ा था कि आजकल की दौड़ धूप वाली जिंदगी में तनाव बहुत बढ़ गए हैं और उसका सबसे ज्यादा असर लड़कियों की सेहत पर पड़ता है और फिर वो माँ बनने में कुछ दिक्कतें भी आती हैं। इसीलिए मैं चाह रही थी कि आप अगर इसका एक बार चेकअप कर दे तो। वो क्या है ना कि रीति की उम्र 25 साल से थोड़ी सी ऊपर है, आप समझ सकती हैं ना। देखिए प्रभा जी, आप जो डॉक्टर, अगर मम्मी जी चाहती है तो आप मेरा चेकअप कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Are you sure? जी, ओके। प्रभा जी आप यहाँ बैठिए, आप चलिए। एक बात पूछूं? If you don't mind, जी। आपकी उम्र क्या है? 27। 27। और आपकी होने वाली मदर इन लॉ को इस बात की फिक्र है कि आप कंसीव कर पाएंगे या नहीं। How ridiculous! वो अपने मन की तसल्ली के लिए मेरी जांच करवाना चाहती है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना। आप पढ़े लिखे हो ना? जी, मैंने MBA किया है। आप इस जमाने की लड़की हो, आपको तो उनके साथ आना ही नहीं चाहिए था, जांच करवाने के लिए मना कर देना चाहिए था। मम्मी जी ने मुझे नहीं बताया था कि वो किस लिए मुझे बुला रही है। But honestly speaking, अगर उन्होंने बताया होता तो भी मैं जरूर आती, सिर्फ उनके मन की तसल्ली के लिए। मैं जानती हूँ मेडिकल साइंस में ऐसे बहुत सारे मेथड्स आए हैं जिसके जरिए वो कपल्स भी पेरेंट्स बन सकते हैं जिनमें किसी तरह की कोई कमी है। एज फैक्टर भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा, लेकिन एक माँ का दिल इन सारी बातों पर यकीन नहीं करता है। एंड आई डोंट थिंक वो कुछ गलत कह रही है। मेरी शादी एक ट्रेडिशनल फैमिली में हो रही है, मैं अपनी होने वाली मदर इन लॉ को काफ़ी हद तक जानने लगी हूँ, समझने लगी हूँ, लेकिन मेरा ये उम्मीद करना सही नहीं होगा कि वो भी पूरी तरीके से मुझे समझने लगे हैं। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। एक माँ जो अपने बेटे की हर एक ज़रूरत की चीज़, यहाँ तक एक शर्ट भी बड़े ध्यान से सिलेक्ट करती है। कपड़ा सॉफ्ट तो है ना, बेटे को चुभेगा तो नहीं। वही माँ एक ऐसी लड़की से उसकी शादी करवा रही है जिसे उन्होंने पसंद नहीं किया। ऑब्वियसली ये मजबूरी तो उनको चुपती होगी ना। चाहकर तो कोई भी अपने बेटे के लिए उससे बड़ी उम्र की बीवी नहीं लाएगा, इसलिए उम्र का फर्क परेशान कर रहा है मम्मी जी को। बट आई एम श्योर वक्त के साथ साथ उनकी सोच भी बदल जाएगी और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा।
इतनी डेलिकेट और क्रिटिकल सिचुएशन में भी तुम्हारी सोच कितनी पॉजिटिव है। सच में ये देख के बहुत ही अच्छा लगा मुझे। थैंक्स। टेस्ट कर ले। हाँ। अच्छा, मैंने इनकी जांच कर ली है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपकी बहू के साथ किसी भी तरह की प्रेगनेंसी को लेकर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और इनकी जो एज है उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बहुत ही लकी है कि आपको इतनी समझदार बहू मिल रही है जो दूसरों की फीलिंग को रिस्पेक्ट करना जानती है। धन्यवाद। और रीति, शादी के लिए बहुत बहुत बधाई। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। मत माना रीति, मैगजीन में पढ़ा था तो मन में बात रह गई थी, वरना थारी को इस तरह से कभी ना बुलाती। इट्स ओके मम्मी जी। थारे को घर छोड़ दो कि नहीं? मैं चली जाऊंगी। बिलासी, तुझे दरवाजा खटखटाने की क्या जरूरत है बिलासी? जरूरत है माँ, जरूरत है। अब इस घर में मारे को कौन अपना मानता है। खैर, कौशल्या बता रही थी आपने मारे को याद किया। विभोर का तिलक किस घर में रखा है? मालूम है, मालूम है। मैं क्या करूं? मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। मैं क्यों बोलूं? तुझे बोलने के लिए कहा भी नहीं गया है, तू सिर्फ सुन। देखते ही देखते नाते रिश्तेदार इकट्ठा हो जाएंगे। मुझे रसम रिवाज में कोई भी बखेड़ा बवाल नहीं चाहिए बिलासी। कान खोल के सुन ले। एक सज्जन पुरुष, कौशल्या का दीन और इस घर के बड़े बेटे होने के नाते तुझे इस रसम में उपस्थित रहना है। ना माना, मारे को माफ कर, मैं कोई रसम वसम में नहीं आने वाला। मैं भला मारा कमरा भला। बिलासी, ये डायरी और कलम ले जा। ले। हाँ, क्यों नहीं। माँ, मैं एक कलम और डायरी का क्या करूंगा? बहुत आसान है। पूरे घर में घूम ले और अपने नाम की जो जो ईंट मिलेगी उसको गिनकर इस डायरी में लिख लेना। ठीक है माँ। क्यों, उतर गया ना चेहरा? निकल गया सारा जोश? इस पूरे घर में एक भी ईंट ना है ना तेरे नाम की। हरे कमरे का ही नहीं, पूरे घर में जो भी ईंट लगी है ना, हरे बाऊजी के खून पसीने की कमाई की है बिलासी। वाह माँ वाह, बिना मांझे की पतंग काटना हो तो कोई आपसे सीखे। अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है मुझसे, तो बाद में सिखाऊंगी। अभी तो तू इतना समझ ले कि विभोर के तिलक में तो ब्याह में तूने खुशी खुशी खड़ा रहना है। दादी 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 दादी, देखो 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 देखो, अच्छा है ना? पता है विभोर भैया इसमें एकदम हीरो लगेंगे।
लगता तो चोखो है। कौन से एंगल से चोखो लागे? मारे को तो ये बैंड बाजा वालों का पहनावा लागे है। हाथों में तुड़तुड़ी थमा दो, पूरा बैंड मास्टर लागेगा थारा ये हीरो। साहु जी, आप ये क्यों भूल जाते हो कि जो आपको खराब लगता है वही तो आजकल का फैशन है। देखा माँ, इस घर के बच्चे मारे से कैसी बात करते हैं। तभी मारी शक्ल आईने में देखता हूँ तो छुपकली की पूंछ जैसी लगती है। अच्छा ये तो बता आंचल बेटा कि विभोर इसको पहनेगा कब? यहाँ तक तो काला कपड़ा कोई नहीं पहन सकता। पर दादी, हम तो इसे तिलक में पहनाने का सोच रहे थे। पगला गई है क्या छोरी? काला कपड़ा कौन पहने है सुबह अवसर पर? सगाई पर तो विभोर ने अपनी मर्जी से काला जैकेट पहन लिया। गलती हो गई, उस दिन मैं कुछ ना बोली। कोई बात नहीं, पर आगे से गांठ बांधो। काला कपड़ा तो दूर, काला रुमाल भी ना चले है तिलक ब्याह के शुभ अवसर पर। ठीक है? कहते हैं कि शुभ कार्य में काला कपड़ा पहनने से अनर्थ हो जाता है। पर दादी, आंचल, कोई प्रॉब्लम नहीं दादी, मैं किसी और रंग के कपड़े पहन लूंगा। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। भैया, भैया बात तो सुनो। हाथ बिला से क्या सोचा है तूने? माँ, तारी आज्ञा के बाहर कब था ये बिलासी? तारी मनता है ना कि बिलासी तिलक की रसम में आवे तो आवेगा। अपनी इज्जत को जूते की नोक पर बांध कर आना पड़े तो भी आवेगा। नाक कटा के सीताराम बियानी की गाड़ी का पहिया भी बनना पड़े ना, तब भी आवेगा ये बिलासी। बेफिक्र रहो माँ, ये बिलासी हनुमान प्रसाद पोद्दार एक सज्जन पुरुष, कौशल्या का बिंद और इस घर के बड़े बेटे होने के नाते से सारे लाडले पोते विभोर की तिलक रस्म में जरूर आवेगा। मैं क्यों नहीं आऊंगा? अब तो मैं जरूर आऊंगा। चलता हूं माँ, बहुत तैयारी भी तो करनी है। दीवारों के भी कान होवे है, चुप बिलासी, वरना मिठाई बनने के पहले ही दूध फट जावे गो। बहुत ही लेटेस्ट डिजाइन सोची है मैंने आपके लिए, वही लगा दूं? नहीं, आप कुछ ट्रेडिशनल डिजाइन ही बना दीजिए प्लीज। क्या दी, अभी ना लगता है अपनी मदर इन लॉ से मीटिंग के बाद ना कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल बनने की कोशिश कर रही हैं आप। तो दुल्हन वही जो सास मन भाई। ओ हो हो हो। में दूल्हे का नाम इस तरीके से लिखना कि रात भर वो बस अपना नाम ही ढूंढते रह जाए। क्यों मंजू, क्या दुश्मनी है तुम्हारी रीति से?
इंदिरा ध्यान रखना, पोद्दार परिवार का कोई भी मेंबर रहना नहीं चाहिए। क्या आप पांचवी बार बोल रहे हैं? अरे बेटी की जिंदगी का सवाल है, अगर उसके ससुराल में किसी को भी शिकायत हुई ना, तो उसका सीधा असर रीति की खुशियों पे पड़ेगा। मैं ध्यान रखूंगी, आप चिंता मत करिए। ये चेन विभोर के लिए है ना? हाँ, यही वाली। अच्छा देखिए, ये 5,000 बिलासी जी के लिए बहुत है। अरे नहीं नहीं, ये 3 तोले की चेन भी है साथ में। निरा, मैं चाहता हूँ कि हम बिलासी जी की खातिरदारी जितनी अच्छी तरह से करें उतना अच्छा। हमारी कोशिश ये रहना चाहिए कि बाकी लोगों की तरह वो भी इस रिश्ते को खुशी से, खुले दिल से स्वीकार करें। तभी रीति उस घर में बहुत आसानी से निभा पाएगी। पानी पियो। नहीं नहीं, अभी नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए, माँ ने बोला है। नहीं अभी नहीं, प्लीज। दिया। रीति बेटा जल्दी से नारियल पानी पी लो, फिर हमें तिलक में भी जाना है ना, जल्दी से खत्म कर। चलो पियो। इसे माँ को कैसे बताओ कि उनसे ज्यादा जल्दी मेरी रीति दी को आ जाने के लिए। चलो पियो। देखना आप, आपकी शादी में ना खूब एंजॉय करने वाली हूँ मैं। वैसे दी, अब तो आपकी शादी हो जाएगी ना, तो मैं सोच रही हूँ मैं आपको एक सजेशन दे ही दूँ। दी प्लीज, आप दूसरों की पसंद नापसंद के हिसाब से जीना छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, अपनी खुद की भी तो एक सोच होनी चाहिए ना, और आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं खो सकते। बात बोलने की या ना बोलने की नहीं है दिव्या, ऐसा नहीं है कि मैं बोलती नहीं हूँ, जहाँ बोलना जरूरी है वही बोलती हूँ। और रही बात सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में बहुत ही थिन लाइन होती है, और जहाँ मेरी फैमिली की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है वहाँ बोलना सही है, लेकिन जहाँ सिंप्लिसिटी से बात बन सकती है वहाँ हर बात को तूल देना, अपनी बात को प्रेस्टीज इशू बनाना कहीं की समझदारी नहीं है, उसे ईगो कहते हैं। और दिव्या, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से जो दिखता है जरूरी नहीं है कि सबके नजरिए से वही परफेक्ट हो, इसीलिए दूसरों के नजरिए को समझना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, और फिर जरूरी लगे तो अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए। मेरी छोटी सी प्यारी सी बहना, तेरे लेवल से कुछ ज्यादा हो गया है ना? एक्चुअली दी, कुछ ज्यादा ही सर के ऊपर से गया। एनीवेज ये सब छोड़ो ना, हम एक सिस्टर सेल्फी लेते ना, पाउट वाली। अच्छा ठीक। 1, 2, 3 पाउट। पड़ेगा भाई साहब, एकदम चोखो संस्कार दिया है आपने और भाभी साहब ने मारे विभोर को। जहां माँ बाप ने ब्याह के लिए बोल दियो, छोरे ने आंख मूंद करके हाँ कह दियो। सच बताओ,
कलयुग का श्रवण कुमार है मारा विभो। लेकिन भाई साहब एक बात के लिए मैं आपसे जरूर लड़ूंगी। हाँ, अरे मारे विभोर का ब्याह और इतनी देर बाद खबर की मारे को? हाँ, इस बात की शिकायत तो हमको भी है भाई साहब, पर जाना वरना पड़ेगा आपको। माफी चाहूंगा कुंवर साहब इसके लिए, वो सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि आपको बताने का समय नहीं मिला। घनश्याम, ये लड़की वालों के स्वागत के लिए पूरे परिवार को इस वक्त दरवाजे पर होना था, पर ये बिलासी और उसका परिवार कटे हैं।